सकता है, तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जब तक आपको जो है वो आवाज़ें आ रही होंगी, मेरा कुर्बानी का जानवर आ चुका है, तो आइए मैं आपको इसके दीदार कराती हूँ। गाड़ी में आए हैं, एसी में बैठकर, तो आइए उसको देखते हैं। और जब तक ये भी गल जाएगा तो मैं आपको इसका आगे के स्टेप बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से हैं। मैं आप सबको अपने चैनल जॉय ऑफ कुकिंग विद आयशा दलाल में वेलकम करती हूं। और जैसे कि ईद करीब है और बड़े दिन आ रहे हैं, और हम इसमें जो है हमारे ज़िक्र असकार के साथ जो है मैं इसमें हमारी ईद की तैयारियाँ भी करनी हैं, तो ईद के हवाले से मैं आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। इंडिया में लखनऊ की बहुत मशहूर इदरीस की लखनवी बिरयानी है, दूध की यखनी से बनती है और बहुत ही मज़े की होती है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो लोग वहाँ पे खा चुके हैं, तो वो ज़रूर मुझे अपना कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि इसका टेस्ट वैसा ही है या नहीं है। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ और शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, लखनवी बिरयानी, जो आपके ईद के डिनर के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी एडिशन होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है बिरयानी के प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए जो है बहुत ख्याल से देखिएगा। ये बिरयानी चार स्टेप्स में बनती है। पहला स्टेप हम कर रहे हैं जिसमें हम डाल रहे हैं मीट का स्टेप करेंगे, जिसमें हम गोश्त को भूनेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लूँगी। आपका कुर्बानी का गोश्त हो तो आप थोड़ा कम लीजिएगा, इसलिए कि उसमें जो है वो चिकनाई ज़्यादा होती है। 4 से 5 तेज़पत्ते लिए हैं मैंने। ये यहाँ पे कुछ गरम मसाले हैं जिसमें बादियान के 5-6 फूल हैं, 15-20 जो है वो काली मिर्चें हैं, 5-7 लौंग हैं और 7-8 के करीब सब्ज़ इलायची है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर हमने ज़रा सा गरम मसाला डाल के इसको कड़कड़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये बीफ का मैंने गोश्त लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का गोश्त ले सकते हैं। ओरिजिनली जो है इसमें मटन जाता है, ठीक है, लेकिन आप चिकन और बीफ से भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो डेफ़िनेटली मटन में ही आता है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके साथ इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हमने लहसुन अदरक डाल दिया। अच्छा, इस बिरयानी की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें दूसरे मसाले बहुत कम डलेंगे, और ये जो है खुशबू वाली बिरयानी होती है, इसमें मसाले, गरम मसाले और ज़ाफ़रान और केवड़ा एसेंस वग़ैरह और ये सब बहुत डलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब जावित्री पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर, 1.5 चम्मच जो है मैंने नमक डाला है, 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें कम लगेगा तो हम फिर बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। ये अजीनोमोटो है, ये डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर लिया है। अगेन आप मिर्चें और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब इसमें बादियान पाउडर जाएगा, और तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें हम दही डालेंगे। और देखें, इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो होती है, कुर्बानी का गोश्त बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, बोलते हैं हमें इसमें से हीक आती है। उसकी वजह ये होती है कि एक तो सही वॉश नहीं करते हैं बहुत से लोग, और दूसरी बात ये कि भूनते सही नहीं है। अगर आप इसको कुर्बानी के गोश्त को लहसुन अदरक और सिरका डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ दें, और इसके बाद इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और फिर इसको जो पकाने बैठें तो जब इसको खूब अच्छी तरह से भुनाएं इसकी कर लें, तो हीक बिल्कुल नहीं आएगी। इसको जो है हम 75% तक गलाएँगे, और इसके बाद जो है इसका दूसरा स्टेप करेंगे, उसमें ये पकेगी और ये कम्प्लीटली डन होगी। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है, हम यहाँ पे एक मसाला मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जो हमारा दूध की यखनी में जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून बड़ी इलायची का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून के करीब बादियान का पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून लौंग का पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/2 टीस्पून जावित्री पाउडर। अच्छा, यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम सौंफ पाउडर डालेंगे। ये एक हमने इसका मिक्स बना लिया है, इसको अब हम दूध की यखनी में बनाएंगे।
और ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा अरोमा है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप जो कि है चावल बनाने का। चावल बनाते हैं, इसमें भी बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, चावल बनाने के लिए हम रखते हैं। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आ रहे हैं जिसमें हमें चावल उबालने हैं। चावल इसके लिए मैंने लॉन्ग बासमती राइस लिए हैं। अच्छा, 1 किलो चावल में मैं 3 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दीजिएगा। इसमें हम 5 से 7 लौंग और 5 से 7 इलायचियाँ, सब्ज़ी इलायचियाँ डालेंगे इसमें, और ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डलते हैं। 1/2 टेबलस्पून चिकन पाउडर डाल रहे हैं। ये इसमें 2 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल डाल रहे हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल रहे हैं और इसको अच्छा सा उबाल आ जाएगा। फिर इसमें चावल डालेंगे। चावल डाल के इसको 70% गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है, 1 कन्नी से भी ज़्यादा कच्चा रखना है, ठीक है। फिर ये तैयार हो जाते हैं, इसको छान के रखते हैं और आपको बताते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या होगा। जब ये अच्छी तरह से भुन गया, इसमें बस 1.5 से 2 कप पानी डालेंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से देख के डाल दीजिएगा। मुझे इसकी यखनी चाहिएगी, तकरीबन 1.5 कप के करीब चाहिएगी, तो मैं जो है इसमें 2 से 2.5 कप के करीब जो है वो पानी डाल रही हूँ। ये देखें, ये हो चुका है एक प्रोसेस तैयार। अब ये जब तक पकता है तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। जब तक आपको जो है वो आवाज़ें आ रही होंगी, मेरा कुर्बानी का जानवर आ चुका है, तो आइए मैं आपको इसके दीदार कराती हूँ। गाड़ी में आए हैं AC में बैठ कर, तो आइए उसको देखते हैं। और जब तक ये भी गल जाएगा तो मैं आपको इसका आगे के स्टेप बताती हूँ। अब दूध की यखनी के लिए हमने जो है तकरीबन 1/2 से 1.25 किलो के करीब दूध ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो मसाला हमने तैयार किया था, ये हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। ये मैं ज़ाफ़रान का एसेंस डाल रही हूँ, तकरीबन जो है इसमें 3/4 टीस्पून। इसमें 1/2 टीस्पून के करीब इलायची का एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि ये डालें आप। ज़रा सा इसमें पीला रंग डालेंगे, बिल्कुल 2 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये 2 कलर में बनता है, येलो और फिर ऑरेंज। 2 टेबलस्पून चीनी जाएगी। 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्चें डालेंगे इसमें। अच्छा, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं घी डाल रही हूँ। इसको अच्छा सा उबाल आने देंगे, 3-4 मिनट पकाएंगे और फिर इसके बाद इसमें गोश्त की यखनी डाल के और आगे के स्टेप करेंगे। हमारा गोश्त जो है अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसका जो है स्टॉक अलग कर लेंगे और इसके जितने भी साबुत गरम मसाले हैं वो अलग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखें, हम स्टॉक अलग कर लिया, इस शक्ल का आ गया है। ये हम इसमें डालते हैं। ये देखें, जो पिसा हुआ मसाला था वो भी इसमें आ गया। ये ज़रा सा इसमें पिंच ऑफ येलो कलर डालेंगे हम। अच्छा, ये हम यहाँ से तार सारा अलग कर रहे हैं और इसको हम फिर आखिरी में डालेंगे। जितना हम निकाल सकते हैं हम इसमें से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने तार निकाल लिया है और ये जो हमने गोश्त उबाल के रखा था अब ये हम इसमें डाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है और ये बिरयानी इसी तरह से बनती है। सारा इसमें अरोमा आ जाता है, तो बस 1-2 अच्छे से उबाल आने देंगे और फिर इसकी तह लगाते हैं। देखिए, इसमें हल्का उबाल आना शुरू हो गया है और इतना स्टॉक है हमारे पास और हमें इतना स्टॉक चाहिए था, इसीलिए मैंने जो है वो थोड़े से चावल कच्चे रखवाए थे, ठीक है। अब मैं इसमें सारे चावल इकट्ठे नहीं डालूंगी, मैं आधे चावल डालूंगी, आधे से भी कम डालूंगी, ठीक है। हल्की सी लेयर डालूंगी चावलों की। बस ये एक तय हमारी, देखिए हम बिल्कुल इसी तरह हल्की हल्की लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। एसेंस और इलायची का पाउडर, ये सब हम डालेंगे इसमें और इसको बस थोड़ा सा तेज़ आंच पे ही दम करेंगे जब तक इसका पानी खुश हो जाए, फिर हम दूसरी लेयर चावल की लगाएंगे। ये केवड़ा वाटर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये ज़ाफ़रान का एसेंस डाल रहे हैं हम इसमें, बस इसमें खुशबुएँ बहुत आती हैं अच्छी सी, तो इसकी वजह से जो है इसमें ज़्यादा हमको डालनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। ये थोड़े से मैं इसमें ज़ाफ़रान के थ्रेड्स डाल रही हूँ, अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़े से डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे हम बाकी के बकाया चावल भी डाल रहे हैं, फाइनल लेयर कर रहे हैं हम इसकी। अच्छा, ये जो तार हमने निकाला था ये अब हम इसके ऊपर डालेंगे और ज़रा से इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे। ये जो हमने मसाला बचाया हुआ था तकरीबन
1 टीस्पून वो ये डालेंगे और इसको जो है बस अब 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आप कितना खूबसूरत से इसमें कलर आया है। ये देखिए मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, यहाँ पर येलो भी है, वाइट भी है और ऑरेंज भी है, तीन कलर की ये बिरयानी बनती है। बेहतरीन कलर आया है इसका और इसके चावल देखें कितने खिले खिले अच्छे हैं। देखा आपने ये कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बन गई। कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करें और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी मैंने ईद के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ बिरयानी पुलाव वगैरह की दी हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। जिन लोगों से मिस हो चुकी है वहाँ पर देख लीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।